दोस्तों आज दोबारा से मैं थग मीटअप के लिए आया हूँ। नागपुर के सारे टाटा हैरियर ओनर्स को इनवाइट किया गया था, बट सुबह सुबह का टाइम है और सैटरडे मॉर्निंग है तो कुछ ही लोग टाइम निकाल कर आ पाए हैं। लगभग 5 या 6 लोग अभी जमा हो चुके हैं टाटा हैरियर के ओनर्स, और यहाँ पर सभी मीटअप में डिस्कस किए जाने वाले जैसे 2 या 3 नए मेंबर्स भी हैं। एक के पास BS4 टाटा हैरियर 2019 की और बाकी 2 लोगों ने अभी अभी परचेस की है, तो सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और नए ओनर्स को भी कंग्रेचुलेट करते हुए अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं गाड़ी को यूज करने के। नए ओनर्स के एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और वहां पे पब्लिक तो स्पीड लिमिट का इशू नहीं है, कोई रोड के सेक्शन ही ऐसे नहीं कि जहाँ पे आप नहीं चला सकते, खास करके लोनावाला खंडाला वाला जो सेक्शन है मत करो वहाँ पे। और उसमें कैसी होती है, मैं बहुत बार देखा ना ट्रक कंजेशन हो जाता है, धीरे धीरे चलते एक जगह पे ऐसा झुंड बन जाता है ट्रक का, और उसमें से लोग ऐसे ऐसे कुछ भी वो भी कट कर रहे हैं ना, देयर इंजन कट आएगा या जाम आएगा, जाम के पास हमेशा अर्टिगा रहती है कड़ी, एक जाम के पास रहता है, दूसरा वो रंगारेड्डी जो डिस्ट्रिक्ट चालू होता है ना हमारे उधर हॉटस्पॉट से। मेहनत नहीं करना चाहता मैं अभी। भाई निखिल सब बीमार हो रहे हैं। समीर कैसे हो? ट्रिप बहुत बढ़िया। कब आए? पिछले हफ्ते तेरे हाथ अपने ज्यादा थी, क्या फर्क आता है? और फर्क कुछ नहीं, मैं तो सजे उसमें भी कैसे, हमने जब नॉर्मली चलाया ना पहले दिन, मैं जब चलाया था उधर हिंगना रोड को, ठीक है MRDC करो वहाँ मैंने चला, वहाँ मेरे को पता ही नहीं चला, उसको बोला भाई क्या करा है पता नहीं, समझ में आ रहा है पावर का कलर खाने के बाद भाईंदर के पहले उसके ऊपर पीपी तो उठता करने से अच्छा डायरेक्ट पीपी चढ़ा दो ना। आप बोल रहे हो गाड़ी बेचना है, अब 4-5 साल बाद जब भी बेचोगे इतने स्क्रैचेस तो एक्सपेक्टेड ही है। अभिषेक भाई की गाड़ी में स्क्रैचेस देख करके शुभम भाई ने उनको PPF के बारे में सजेशन दिए। और दूसरी तरफ ये है BH नंबर प्लेट वाली समीर भाई की गाड़ी, और ये वाली गाड़ी भी अभी रिसेंटली ही परचेस की थी समीर भाई ने इसी साल जनवरी में, और गाड़ी में डस्ट आपको दिख रही होंगी बट PPF से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, गाड़ी बहुत ज़्यादा डस्ट पकड़ लेती है क्योंकि डार्क एडिशन है जैसे जल्दी डस्ट नज़र भी आती है, बट PPF लगा हुआ है तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहती स्क्रैचेस को लेकर के, एक दो दिन में वो साफ करते रहते हैं। कल ही साफ की थी और आज दोबारा डस्ट इतनी ज़्यादा विजिबल होने लग गई है। इसको मैंने अपने हाथ से थोड़ा सा क्लीन करके देखा तो मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस मालूम पड़ा और मुझे कहीं स्क्रैचेज या सोल मार्क्स वगैरह भी कुछ नज़र नहीं आ रहे इस गाड़ी में, तो डेफिनेटली PPF वर्क रियली ग्रेट फॉर हिज टाटा हैरियर डार्क एडिशन विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार। अब वक्त था कि यहाँ पर थग के स्टिकर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, जो मेंबर्स अभी तक के थग में एंटर जुड़े नहीं थे वो अब जुड़ सकेंगे, थग स्टिकर्स लग जाने से उनकी गाड़ी में भी आइडेंटिटी बन जाएगी कि यहाँ पर गाड़ी अगर शहर में कभी भी घूमती है तो लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ ये भी अपने थग ग्रुप की गाड़ी है। इसके अलावा अदर सर्विस रिलेटेड बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते रहते हैं थग कम्युनिटी को हर शहर में। तो अगर आप भी टाटा हैरियर यूनिफाइड ग्रुप यानी कि थग के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ये ग्रुप ऑल इंडिया लेवल पर है और यहाँ पर हज़ारों मेंबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, यानी कि हज़ारों टाटा हैरियर ओनर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने टाटा हैरियर की फोटोज भेज करके आप इसके एडमिन को बता सकते हैं कि आप भी एक हैरियर ओनर हैं। इसकी वजह से आपको बाकी सब ओनर्स के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता रहेगा और आपको अपकमिंग मीटअप्स एंड ग्रुप ड्राइव्स के अपडेट भी मिलते रहेंगे, तो आप बाकी ओनर के साथ मिलजुल करके अभी भी अपने गाड़ी के एक्सपीरियंसेस को एनहांस भी कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। मेरे को ना दिक्कत कहाँ ही मालूम है क्या, उसने जो ये दिया ना स्टेफनी, तो मतलब मेरे को लगता कि वो सिर्फ थोड़े देर के लिए दी है उसने 80 किलोमीटर की स्पीड बस, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब अपन ये नहीं सोच सकते कि चलो यार 100-200 किलोमीटर स्टेप नहीं लगा के चलाएंगे करके, वो बस ये बोल रहे हैं कि अर्जेंट हो गया कहीं, हाँ बस धीरे धीरे चलाओ और अगली जो पहुंच पे जाके करवा लो बराबर, तो बेसिकली आपको हर 10-15 किलोमीटर में तो पंचर वाले मिल ही जाते हैं पेट्रोल पंप पे गाँव में, टायर प्रोटेक्टर करके कुछ तो भी लिक्विड आता है उन्होंने टायर के अंदर भर के दिया था, अच्छा जिसकी वजह से टायर पंक्चर होता ही नहीं है, खिल्ले विल्ले लगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, और वो भी ट्यूबलेस टायर ही है, तो मेरे को गाड़ी पंचर होने का कभी मुसीबत ऐसी आई।
इसके बाद मैंने नए हैरियर ओनर्स के साथ में कुछ पार्किंग सॉल्यूशंस शेयर किए जो कि NGF 132 की तरफ से हमें मिलते हैं। NGF 132 एक पार्किंग टैग है जो एक QR कोड के साथ आता है। इसको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड में अगर आप लगा कर रखते हैं तो कभी भी कोई भी इंसान आपके इस QR कोड को स्कैन करके आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो कॉन्टैक्ट क्यों करेंगे, अगर आपकी गाड़ी किसी अननोन पार्किंग में लगी हुई है जिसका ओनर कोई और है, या आपकी गाड़ी पार्क कहीं रखी हुई है और उसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को नजर आती है और आप आसपास नहीं हुए, तो QR कोड को स्कैन करके कोई भी आपको कस्टम मैसेज भेज सकता है। और ये आपको सिक्योरिटी को भी हर्ट नहीं करती क्योंकि गाड़ी का स्टिकर है, उसके थ्रू किसी को आपको कस्टम मैसेज भेजना है तो वो सर्वर के थ्रू भेजा जाता है, इंटरनेट के थ्रू SMS में आपको चला जाता है। आपका फोन नंबर उनको डिस्प्ले नहीं होता और आपके फोन नंबर में जो आधार कार्ड या बैंक अकाउंट लिंक होते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, तो आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर रहती है। और ये NGF 132 के सिक्योर पार्किंग टैग की वजह से आपको बिना किसी डिफिकल्टी या स्पैमिंग के खतरे के कॉन्टैक्ट भी मिल जाते हैं, आपकी गाड़ी की पार्किंग काफी ज्यादा सिक्योर हो जाती है। और अब वक्त हुआ है ब्रेकफास्ट के लिए जाने का, तो सारे हैरियर ओनर्स जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। शुभम भाई और मैं बाइक राइड कर रहे हैं, हम दोनों सुपर बाइक लेकर के अक्सर नागपुर के द वाइल्ड वन सुपर बाइक ग्रुप के साथ में परफॉर्मेंस राइड वगैरह करते रहते हैं संडे को, और उसके ब्लॉग्स वगैरह भी मेरे NG1WD वाले चैनल पर आते हैं जहाँ पर मैं मोटो ब्लॉग्स भी शेयर करता हूँ, बाइक रिव्यूज भी शेयर करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस चैनल की, वहाँ जा करके आप हमारे सुपर बाइक मोमेंट्स एंड राइड्स भी देख सकते हैं। गड़बड़ क्या हुई कि 160-170 की स्पीड से इसने टर्न लिया और इसके लगा स्पॉइलर, गाड़ी दब गई, ट्रैक दब गया, दब के वो पलट गई। ये स्पॉइलर है और विजय टेकाडे ने करा है। कैसा है, इफेक्टिव है क्या? मैंने सिर्फ डोर में कराया है। कौन सा डैम्पिंग? डैम्पिंग नॉइज डैम्पिंग। अरे सर वो लोगों ने अच्छे में नहीं आए थे एक मैट किलो उसको कैसे करना है देखो, ये आपने किया झट से उसको पोंछना है, ज्यादा देर रख दिया तो निकलेगा नहीं, वो उसका तरीका है। जैसे तुमने अभी इसको पोंछना है, ऑटो मोड है ये, मतलब सब बंद रहेगा, ये मतलब DRL ऑन रहेगा और ये मतलब जबरदस्ती हेडलाइट ऑन चाहिए। आप इसमें अगर रखोगे अभी तो अभी जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी तो आपका DRL टेल लाइट लग जाएगा। सो संदीप भाई कंग्रेचुलेशंस, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रांड न्यू हैरियर। आप ये 6 आपने ली है, XZA वेरिएंट है, टॉप एंड के जस्ट नीचे में, प्लस ऑटोमेटिक और व्हाइट कलर है आपकी गाड़ी, बहुत सुंदर भी है और कमाल की है, कंफर्टेबल तो है ही है हमेशा की तरह। तो आपको कैसा लग रहा है नई गाड़ी परचेज करने के बाद में, और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस इनिशियल शोरूम के साथ में? इनिशियल शोरूम के साथ में सी गाड़ी तो बहुत अच्छी है एंड आई वाज फॉलोइंग दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ओके, जब वो जिनेवा मोटर शो में किया था आई वाज फॉलोइंग फ्रॉम दैट। मतलब कौन सा वाला, BS6 वाला किया था वो? नहीं, BS4 वाला, H5X था जब, H5X। ओके, तो लेकिन जब लॉन्च किया तो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा था उस टाइम। अच्छा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिले किया। ओके, बट मैं हमेशा फॉलो करता रहता था, आपका चैनल भी फॉलो करता रहता था। ओके, मतलब आपको पता था गाड़ी में क्या क्या अपडेट होते जा रहे हैं, कैसी है, फीडबैक कैसा है लोगों का, रिव्यूज, ओनरशिप रिव्यूज वगैरह भी देख रहे थे। रिव्यूज देखे मैंने, आपका एनाटॉमी वीडियो देखा, ऑल वीडियोस एक्चुअली आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच। सो फाइनली व्हेन आई डिसाइडेड टू परचेज दिस, आई वांटेड टू हैव दिस ऑन ऑस्पिशियस डे ऑफ धनतेरस। अच्छा, अभी ली क्या? हाँ, अभी लिया, 4 महीने हो गए, 4 महीने होने वाले हैं, करेक्ट। सो 2 नवंबर को मैंने डिलीवरी लिया, 2 नवंबर को, हाँ, पेरेंट्स के साथ में, यूपी में जाके लिया, लखनऊ, लखनऊ। ओके ओके, तो अभी और रहते हैं आप नागपुर में? रहता मैं अभी नागपुर में हूँ, एक्चुअली एग्जैक्टली रहता नागपुर में भी नहीं हूँ। मैं बेंगलोर में सेटल्ड था बट कंपनी के काम से मैं 2-2.5 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा, अब कब तक है आप यहाँ पर?
जब तक कंपनी चाहे। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपनी एज वेल एज फॉर योर हैरियर। आगे बहुत अच्छे अच्छे आपके मोमेंट्स बने, फैमिली के साथ आप एंजॉयबल ट्रिप्स करें, ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे आपकी गाड़ी को 10-15,000 किलोमीटर और हो जाते हैं सक्सेसफुली, एंड देन आप अपने और स्टोरी हमारे साथ शेयर करो दर्शकों के साथ में, सारे बायर जो हैं अपकमिंग हैरियर के साथ में उनके लिए स्टोरी शेयर करो, अपना रिव्यू शेयर करो। जल्दी दोबारा मिलेंगे और ऐसे मीटअप में भी आते रहो ताकि आपकी स्टोरी और आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस पता चलता रहे हम लोगों को। सो अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सो समीर भाई, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रांड न्यू टाटा हैरियर डार्क एडिशन XZA+। वाओ, और वो भी 2021 एडिशन है ना, एकदम डार्क एडिशन का ब्लैकिश वर्जन, उसके ऊपर से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में क्या क्या आई हुई है। आपको 18 इंच के अलॉयज मिल गए, TPMS छोड़ के बाकी जितनी भी एसेंशियल चीजें हो सब इसमें मिल गई आपको। बहुत ही चीज एक्सपेक्टेड थी जो आपको नहीं मिली। मैं एक्चुअली रुका इसलिए था कि मुझे वायरलेस कारप्ले चाहिए था। ओके, एप्पल कारप्ले भी, कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी इसमें वायरलेस है, दोनों है। मेरे बेटे के पास एंड्रॉइड है और मेरे पास एप्पल है, तो दोनों का दोनों इसमें मिल गया जो चला है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिला। इसलिए मैं 2 महीने रुका था एक्चुअली ताकि ये वाली मिले। ओके, तो इसमें वो पूरे फीचर्स आ गए, तो सारी पर्पस सॉल्व कर रही है गाड़ी, मजा आ रहा है। कितने किलोमीटर चला लिया फिर अभी आपने? अभी एक महीने में अराउंड 3,000 किलोमीटर चल, एक महीने में 3,000। वाओ, तो कैसा रहा आपका फिर एक्सपीरियंस? मतलब माचो है, मतलब जिस तरीके से ये गाड़ी है ऐसे लगता है कॉकपिट में बैठे और उड़ा रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट, फुल कोई वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, ट्रैफिक में हैंडलिंग वगैरह इजीली हो जाती है, बहुत इजीली। मतलब ये मैंने ऑटोमेटिक लिया इसलिए था कि मतलब जैसे ऐसे एक्टिवा चला रहे ऐसे लगती है गाड़ी, इतनी स्मूथ और इतनी, पुट इट ऑन ड्राइव एंड फॉरगेट एवरीथिंग। यस, तो हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा हार्ड लगता है बिगिनिंग में, बिल्कुल महसूस नहीं ऐसा फील नहीं होता है, बहुत रिफाइंड लगती है क्या गाड़ी आपको? पूरी रिफाइंड, फैमिली टाटा हैज डन अ फंटास्टिक जॉब ऑन दिस हैरियर। Yes, perfect. Yes, और yes. फिर आपका फैमिली का क्या रिव्यू है इसके लिए? फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब हम लोगों ने काफी गाड़ियां देखी, मैंने बहुत सारी टेस्ट ड्राइव भी करी है, बट मैं नाम नहीं लूंगा बाकी ब्रांड्स का, बट ये गाड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इवन फैमिली को ये पसंद आई गाड़ी, कंफर्ट मजा आता है। यस यस, और फैमिली ने जब डार्क एडिशन देखा तो बोले इसके अलावा तो कुछ लेना ही नहीं है, सबसे ज्यादा सुंदरता इसमें, भले ही मेंटेनेंस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एंड आपने PPF भी लगाया? या मैंने PPF भी लगाया, PPF का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मेरे यहाँ क्या है, ओपन टू स्काई खड़ी रहती है मेरी गाड़ी रात में पार्किंग में, तो अभी किसी ने इतनी गहरी स्क्रैच करी, फोटो भेजिए मुझे तो दिखाता हूँ, मैं फोटो देता हूँ आपको, इतनी गहरी स्क्रैच करी थी, मतलब ऐसे डर लगा था कि गई अभी, लेकिन वापस से जब मैंने वो डिटेलर के पास जाके वो अनवर भाई के पास गया तो उन्होंने वो निकाला तो बोले सर कुछ भी नहीं हुआ इसको, और उन्होंने दिखाया मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और दोबारा उन्होंने PPF लगा दिया। सही है, मतलब आपका पैसा बच गया, पूरा वसूल हो गया मेरा PPF का पैसा भी वसूल हो गया। अभी आगे और होता रहेगा, जब जब ऐसे कुछ दिक्कत आएगी तो आपकी गाड़ी का पेंट बचा रहेगा। ये आपके वजह से हो पाया, मतलब मेरे को पूरा क्रेडिट आपको देना है PPF का, आपके वजह से मेरे को इतनी अच्छी डील मिल पाई। अच्छा है आपको हेल्प मिली, हमारे लिए वही खुशी की बात है। अगर और भी किसी को PPF रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल तो दी ही हुई। राइट राइट, और बाकी लोगों को भी ऐसे नुकसान से पैसे बचाने में हेल्प मिलती रहे तो मैं वही खुशी होगी। अच्छा, आप अभी जैसे अभी आपको 3,000 किलोमीटर लगभग हो चुके हैं, आई होप 10-15,000 किलोमीटर के बाद आपके पास और ज्यादा स्टोरीज रहे, अच्छे मोमेंट्स रहे हमारे लिए शेयर करने के लिए। अगले मीटअप में जब हम आपसे मिलेंगे हम और एक्सपेक्ट करेंगे आप और बेहतरीन स्टोरीज हमारे लिए लाएं, व्यूअर्स एंड जो अपकमिंग हैरियर बायर्स उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिले कि हैरियर जैसी बेहतरीन गाड़ी वो परचेस करें और फैमिली के साथ संतुष्टि भी रहे और खुश भी रहे। राइट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट विद योर हैरियर, एंड थैंक यू सो मच आपने इतना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इतना टाइम दिया। दोबारा मिलेंगे आपसे अगले मीटअप में एंड फिर सुनेंगे आपसे आपकी बाकी की स्टोरीज। अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे एंड में बहुत खूबसूरत रेड कलर की टाटा हैरियर जो कि स्वप्निल भाई की है, उसमें भी हमें पार्किंग टैग लगाना था, तो क्योंकि उनको भी पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वो भी घूमते रहते हैं गाड़ी को लेकर के काम के सिलसिले में, तो उन्हें भी अपनी पार्किंग सिक्योर करनी थी, तो उन्होंने भी NGF 132 का ये पार्किंग टैग जो कॉम्पैक्ट साइज वाला है वो अपने विंडशील्ड पर लगा दिया है। और विंडशील्ड पर लगा देने के बाद में इनको भी QR कोड की स्कैनिंग करते हुए कोई भी इंसान कभी भी इनकी पार्किंग रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए इन्हें कॉल किए बिना या फिर इनके प्राइवेट नंबर पर मैसेज किए बिना इनको कस्टम मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकेंगे। So there will be no threat of privacy at all, और ये एक मिनट के अंदर ही एक्टिवेट किया जा सकता है, जब आप जब चाहे तब इस टैग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस मीटअप ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।